इसको अपन अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाने वाले हैं। तो मैं मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ ना अपनी बाइक में भाई साहब, वो जयपुर के अंदर इकलौती अपनी MT बन जाएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब हो? आप सब ठीक, बढ़िया, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में एक पार्ट देखा होगा बाइक का, वो सिर्फ मैंने लास्ट में दिखाया था, तो अधिकतर लास्ट में शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। बट मैं आपको बता दूँ, अभी हमने एक पार्ट मंगाया अपनी बाइक का, जिसमें अपन इसमें मैंने स्टोरी भी लगाई थी। जिसने अगर इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी होगी तो उसको तो पता है कि क्या भाई क्या इंस्टॉल करने वाला है अपने MT के अंदर। तो वो अभी एक शॉप है अपना जहाँ पे मैं बाइक का काम कर रहा था, वो उधर रखी हुई है। तो उधर चल के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो बवाल चीज़। तो गाइस, एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, मैं बता दूं, जो मैं मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूं ना अपनी बाइक में भाई साहब, वो जयपुर के अंदर इकलौती अपनी MT बन जाएगी। वैसे पहली इकलौती MT अपनी इंडिया में, मान लो भाई साहब, ऐसा कलर मैंने आज तक नहीं देखा मॉडिफिकेशन में। आप जिस बाइक से मैंने लिया है ये कलर ग्राफिक्स लिए हैं, वो है, वो डुकाटी की है। बट मेरी जैसी MT, मतलब जिस तरीके से मैंने मॉडिफिकेशन कर रखी, इस तरीके से किसी ने नहीं कर रखी, मतलब रैपिंग के मामले में, ठीक है। और एग्जॉस्ट तो सब पे मिल जाएगा आपको, पर रैपिंग अपना सबसे अलग है, यूनिक है भाई सबसे। जो मेरे साथ में R15 थी अपने पल्लव भाई की V3, वो भी सबसे यूनिक थी, बट अभी वो गाँव है तो क्या ही करें उसका। तो अभी देखते हैं भैया कैसी लगने वाली है उस बवाल चीज़ को लगाने के बाद, हमारी बाइक कैसा लुक आता है वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। भाई लोकेशन में पहुंचते हैं जल्दी से अपन फटाफट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी बाइक वाली दुकान पे, जो कि यहाँ पे है वो भैया, जहाँ पे मैंने अपनी क्लच प्लेट डलवाई थी। अभी अपन घर गेट बजाएंगे, वो अंदर ही रहते हैं। तो गाइस जब आ चुके हैं, अब आपको दिखा देता हूँ वो प्यारी सी चीज़, ये है। अब जिसको पता ये क्या है और कहाँ लगती है वो तो जानते हैं, और कमेंट में बताओ क्या चीज़ है ये। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं भैया। में देखो इनकी R15, ये है V2 का मॉडल, जो पूरी खोल के रखी है भाई साहब। इंजन देखो कैसे खुला पड़ा है पूरा, और आगे से इसका लुक देखो, पूरी फेयरिंग खोल रखी है इन्होंने। अब जिसको पता ये क्या है और कहाँ लगती है वो तो जानते हैं, और कमेंट में बताओ क्या चीज़ है ये। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं भैया में देखो इनकी R15, ये है V2 का मॉडल, जो पूरी खोल के रखी है भाई साहब। इंजन देखो कैसे खुला पड़ा है पूरा, और आगे से इसका लुक देखो, पूरी फेयरिंग खोल रखी है इन्होंने। फाइनली देख सकते हो, ये है अंडरवेली, और जो कि अपन ने अपनी बाइक से भी निकाली है, जो कि इसमें आती है पहले से। और यहाँ जो मैं आपको दिखाया वो पार्ट है, वो यहाँ का है अंडरवेली, ठीक है। तो वो वैसे KTM 390 की आती है, बट अपन उसको इसमें फिट करने वाले हैं। अब वो किस प्रकार से होती है वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और कैसा लुक आता है अपनी बाइक का उसको लगाने के बाद अपन, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी जा रहे हैं हम लगाने, तो अभी तो फिलहाल मैं ये वाली अंडरवेली लगी हुई थी, अब उसको लगा के देखते हैं फिर कैसा लुक आएगा। तो उसके लिए हमें बहुत काम ताज करना पड़ेगा, उसको कट करनी पड़ेगी, मतलब पूरी कस्टम करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो अपनी बाइक में फिट होगी। तो ये रही, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो इसकी साइज़ देखो कितनी लंबी है, ये पूरी अपन फिट करने वाले। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, और भैया के हाथ में देख सकते हो अंडरवेली है, और निकलते हैं हम। भैया रास्ता बताएंगे अपन को, भेड़ दाओगे ना, चले किधर से लो? तो सांगानेर रोड जाना पड़ेगा गाइस, इधर से चल के आपको वहीं दिखाता हूँ। तो गाइस हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे अपन गैस वेल्डिंग से इसका जुगाड़ करेंगे। समझ गया आगे पता हो रही, तो आ चुके हैं हम दुकान पे, जयपुर सोकर रिपेयर। ये
तो फाइनली गाइज हमारी बाइक का काम स्टार्ट होने वाला है और देखते हैं भाई, मैं तो बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कैसी लगने वाली हमारी एमटी। मतलब अभी इनको भी नॉलेज नहीं है, पहली बार लगा रहे हैं भैया भी, मतलब जयपुर में पहली बार ही कोई एमटी में 390 का ये अंडरवेली मतलब सेट करेगा इसमें। तो भाई देख सकते हो किस प्रकार से, या तो बिगड़ती है या फिर भगवान से दुआ करता हूँ मैं तो कि बस सही हो सब कुछ। और अंकल भी थोड़ा बहुत पहले से काम कर रहे हैं, बहुत मतलब जयपुर में एकमात्र दुकान है, मतलब इस एरिया में सब जाना पड़ता है, अजमेरी गेट के साइड पर यहाँ हो जाता है, ये बिल्डिंग की दुकान है, ये है मीट मार्केट। अब इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं वो देखते हैं अपनी। तो गाइस कितनी दिक्कत आने वाली है देख सकते हो इसके अंदर। जो मैंने वीडियो देखा था, एक यूट्यूबर है मतलब इंस्टाग्राम अरे बिट्टू पिता नहीं किट्टू नाम है उसका, उसने कट कर रखी है अंडरवेली, और हम चाह रहे हैं कि अंडरवेली कट ना हो और नॉर्मली लग जाए, बिगड़े ना। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, झुका हुआ। हाँ ये ऐसे रहना चाहिए, झुका हुआ थोड़ा। तो भाई जिसमें बहुत मेहनत लगने वाली है भाई साहब, बस आप वेट करो, लगता है नहीं लगता है। अब भैया अंकल दोनों लग चुके हैं इसको लगाने के लिए। तो गाइस अंकल जी ने मार्क ले लिया है इसका, और यहाँ से देखो यहाँ से कट होएगा, तो ये कट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो एग्जॉस्ट है यहाँ से जब गर्म होएगा तो पूरा चिपक जाएगा इसका, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसको मार्क लगा लगा के कट करेंगे, उसके बाद इसमें ये लगेगा, तो इसमें बहुत मेहनत होने वाली है। मैं तो बस बार बार यही बोलने जा रहा हूँ, इसका वेट कर रहा हूँ कैसे लगेगा भाई, बवाल लगने वाला है इसके बाद, ये लगने के बाद तो देखते हैं। पूरे पार्ट कट हो चुके हैं, ये वाला हो गया, और यहाँ से इसको जो एक जो सड़ रहा था यहाँ पे, तो इसकी वजह से इसको भी कट कर दिया। देखो यहाँ पे पूरा ऐसा लगेगा ये, और इसमें अलग से छेद करने पड़े हैं, वो अलग से छेद कर दिए अंकल ने। गाइस फाइनली ये लग चुका है, यहाँ पे अलग से ये नट है, ये इन्होंने छेद करा है, पहले यहाँ था बट यहाँ करा और कट करे, वो आपको दिखा दिया मैंने। और लुक देखो कैसा आएगा भाई साहब। तो सेकंड मार्क लग चुका है, क्योंकि पीछे जो एग्जॉस्ट की हिस्सा है वहाँ पे पीछे जो वाला इसका अंडरवेली का हिस्सा वो अड़ रहा था, तो उसको भी कट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जब एग्जॉस्ट हीट मारेगा तो वो पूरी तरीके से जल जाएगा, तो इसको पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कम से कम इतना गैप रखना है, क्योंकि जब ये हीट होएगा तो यहाँ से पूरा इसको भी जला सकता है बाद में, तो अपन को यहाँ से और कट करना पड़ेगा इसको थोड़ा बहुत, उसके बाद ये बराबर हो जाएगा। दोनों साइड से लगा देते हैं अंकल वाशर को, क्या दिक्कत है, अंदर मत लगा। फाइनली हमारी अंडरवेली इसमें इंस्टॉल हो चुका, जब सिनेमेटिक आपको दिखाऊंगा उसके बाद जो लगेगी ना भाई बवाल। अभी इस पे अपन को रेपिंग करवानी पड़ेगी, इस पे लगाएंगे हम शायद रेड कलर करवाएंगे इस जगह, और इसको ब्लैक रहने देंगे, उसके बाद देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। ये अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और थोड़ा इसको खिसापिटी चल रही है, जहाँ से इसको काटा है वो थोड़ा दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ पे कट करा है। ठीक है, तो उसके बाद आपको इसके सिनेमेटिक दिखाता हूँ, उसके निकलने के बाद अच्छी सी लोकेशन ढूंढ रही है। तो फाइनली गाइज हमारी अंडरवेली इंस्टॉल हो चुकी है एमटी के अंदर, जो कि 390 की आपको बता दिया, और इसका एक बार लुक चेक करो यार, यहाँ से एक जो वीडियो देखा था हमने किट्टू का, उसने क्या है कि जो ये एग्जॉस्ट था उसका जो मॉडिफिकेशन वाला है तो उसमें चिपक गया था, तो पूरे यहाँ से अंडरवेली है वो खराब हो चुकी थी, बट हमने इस तरीके से इसको लगाया है कि यहाँ पे एक पत्ती लगाई है, आपको दिखा दूँ नीचे ये पत्ती लगाई है, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, और यहाँ पे हल्का फुल्का ये चलेगा हीट से, बट ये पे हल्का फुल्का यहाँ पे, और एकदम परफेक्ट लग चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे अपन को रैपिंग करवानी है रेड कलर की, उसके बाद जो इसका लुक आएगा ना भाई मजे आ जाएंगे।
तो अभी मेरा GoPro बंद हो चुका है, मैं घर के लिए जा रहा हूँ। अगर गाइज आपको ये वाला लुक अच्छा लग रहा है, मैं आपको सिनेमेटिक दिखा दूंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ जाके कमेंट करो कैसा लग रहा है आपको ये नया इंस्टॉल अपने बाइक के अंदर। और भी कुछ बाकी है, अपन मरघाट भी चेंज करेंगे बट टाइम लगेगा थोड़ा। आज के लिए इतना ही। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगता है, ये चीज़ आपको अच्छी लगी हमारी बाइक के अंदर, तो प्लीज़ जाके कमेंट कर दो, शेयर कर दो चैनल को। और ये दुकान, अगर आपको कोई भी काम वाम करवाना है तो आप यहाँ से आ सकते हो, अशोक ट्रेडर्स बिल्डिंग वाले, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने देखा होगा कितने तरीके से काम करा है, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। That's the moral of the story, babe.